हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लोग पीडियाट्रिक के अंदर सीरीज़ नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी CHO के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का हमारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक के अंदर जो भी CHO के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन डी इन एन इन्फेंट इज, एक इन्फेंट है जिसके अंदर रिकमेंडेड डेली इंटेक विटामिन डी का डेली इंटेक बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपना आंसर पुट करिएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर जरूर पुट करिएगा। ऑप्शन ए है 100 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी है 200 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी है 400 इंटरनेशनल यूनिट एंड ऑप्शन डी है 500 इंटरनेशनल यूनिट। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन डी इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन बताना है, तो अपना आंसर पुट कीजिएगा, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। 100 इंटरनेशनल यूनिट, 200 इंटरनेशनल यूनिट या 400 इंटरनेशनल यूनिट या 500 इंटरनेशनल यूनिट, एवरीबडी पुट आंसर। आंसर सभी को पुट करना है और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपने आंसर पुट कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा 200 इंटरनेशनल यूनिट। जो डेली इंटेक होता है एक इन्फेंट के अंदर विटामिन डी का, वो 200 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। ओके, इट मींस ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ वी विल गो फर्दर। द डिज़ीज़ विच इज़ करेक्टराइज बाई 3 डीज़, ऐसी कौन सी डिज़ीज़ है जिसको 3 डीज़ के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है पैलाग्रा, ऑप्शन सी है एनीमिया एंड ऑप्शन डी है स्कर्वी। एवरीबडी पुट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिजीज विच इज़ करेक्टराइज बाय 3 डीज, एवरीबडी पुट आंसर। आंसर सभी को पुट करना है, और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। द डिजीज़ विच इज़ करेक्टराइज बाय 3 डीज, बेरी बेरी, पैलाग्रा, एनीमिया एंड स्कर्वी। अपना आंसर ए बी सी डी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपना बेरी बेरी, पैलाग्रा, एनीमिया, स्कर्वी टाइप करके ही पुट करें, लेकिन अपना आंसर ज़रूर पुट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा पैलाग्रा। पैलाग्रा ऐसी डिजीज़ है जिसको 3 डीज़ के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। पर्नीशियस एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, पर्नीशियस एनीमिया होता है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन C एंड विटामिन A। एवरीबडी पुट आंसर, पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है। एवरीबडी पुट आंसर, विटामिन B3, B12, विटामिन C एंड विटामिन A। एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है, क्योंकि जब तक आप आंसर पुट नहीं करेंगे आपको आंसर का पता नहीं लगेगा। इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। इट मींस ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ वी विल गो फर्दर। पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिकन पॉक्स इज, पोर्टल ऑफ एंट्री बताना है चिकन पॉक्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है जेनिटल्स एंड ऑप्शन डी है पेरेंट्रल। एवरीबडी पुट आंसर, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिकन पॉक्स इज, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनिटल्स एंड पेरेंट्रल। एवरीबडी पुट आंसर, पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिकन पॉक्स, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है। ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है गवावा, ऑप्शन सी है ऑरेंज एंड ऑप्शन डी है लाइम। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स आंवला, गवावा, ऑरेंज एंड लाइम। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। रिचेस्ट सोर्स बताना है विटामिन सी का। इसका राइट आंसर होगा आंवला। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है विटामिन सी का? आंवला। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर।
विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर जो फर्स्ट साइन होता है चिकन पॉक्स का वो कौन सा होता है। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO। ऑप्शन ए है फीवर, ऑप्शन बी है रेसिस, ऑप्शन सी है शिवरिंग एंड ऑप्शन डी है मलेज। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एवरीबॉडी पुट आंसर, विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का फर्स्ट साइन कौन सा होता है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF नोट्स प्लस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, चिकन पॉक्स का फर्स्ट साइन कौन सा होता है। अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा रेसिस। फर्स्ट साइन कौन सा होता है रेसिस चिकन पॉक्स के अंदर। इट मींस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। विच कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज रूबियोला। ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसे हम लोग रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स एंड कोलेरा। एवरीबडी पुट आंसर, विच कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज रूबियोला। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसे हम लोग रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, कोलेरा। एवरीबडी पुट आंसर, अपना आंसर ज़रूर पुट कीजिएगा और अपना आंसर क्रॉस चेक भी करिएगा। अगर रॉन्ग है तो उसे राइट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा मीजल्स। कौन सा होगा, मीजल्स। मीजल्स को हम लोग रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। इट मींस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रन अकर्ड मेनली बाय। ट्रांसमिशन कैसे होता है मीजल्स का चिल्ड्रंस के अंदर। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एवरीबडी पुट आंसर, ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रन अकर्ड मेनली बाय कौन से रूट से होता है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एवरीबडी पुट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कौन सा होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इट मींस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ वी विल गो फर्दर। मीजल्स वैक्सीन इज स्टोर्ड एट। मीजल्स वैक्सीन है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर स्टोर की जाती है। ऑप्शन ए है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी है रूम टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीजल्स वैक्सीन स्टोर्ड कितने टेम्परेचर पे की जाती है। -20 डिग्री, 0 डिग्री, 2 to 8 डिग्री एंड रूम टेम्परेचर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, मीजल्स वैक्सीन है वो कितने टेम्परेचर पे स्टोर की जा सकती है, की जाती है। एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो भी वीडियो है वो नेक्स्ट उस टॉपिक पे होना चाहिए, जो जिस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका उस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना हम लोग क्या करते हैं, मीजल्स वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं। इट मींस ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। इन विच एज ग्रुप डिप्थीरिया इज़ कॉमनली फाउंड। ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसके अंदर डिप्थीरिया कॉमनली फाउंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 0 से 2 साल, 0 से 3 साल, 1 से 5 साल एंड 3 से 10 साल। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, कौन सी एज ग्रुप के अंदर जो डिप्थीरिया है वो कॉमनली फाउंड होता है। कॉमनली फाउंड होता है, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इन विच एज ग्रुप डिप्थीरिया इज़ कॉमनली फाउंड। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 1 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो डिप्थीरिया है वो कॉमनली फाउंड होता है। इट मींस ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर DPT वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर जो DPT वैक्सीन है वो स्टोर की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। एट विच टेम्परेचर DPT वैक्सीन शुड बी स्टोर। अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा
चार से आठ डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या करते हैं, डीपीटी वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डिजीज़ यूजुअली रेसेज आर नॉट अफाउंड। ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसके अंदर रेसेज फाउंड नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी है मम्स एंड ऑप्शन सी है चिकन पॉक्स एंड ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, विच डिजीज़ यूजुअली रेसेज आर नॉट फाउंड, रेसेज फाउंड नहीं होते हैं। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स एंड डिप्थीरिया। एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। अगर आप वीडियो बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां से हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहां से इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा, जो रेसेज है वो फाउंड होते हैं मीजल्स में भी, मम्स में भी होते हैं, चिकन पॉक्स में भी होते हैं। इट मीन्स ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर होगा, डिप्थीरिया के अंदर जो यूजुअली रेसेज फाउंड नहीं होते हैं। ओके, इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ पर्टोसिस इज फाउंड इन एज ग्रुप। हाईएस्ट इंसिडेंस है, हाईएस्ट जो केसेस है, मोस्ट ऑफ केसेस है पर्टोसिस के, वो कौन सी एज के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 0 से 2 ईयर, ऑप्शन बी है 0 to 5 ईयर, ऑप्शन सी है 2 to 8 ईयर एंड ऑप्शन डी है 0 to 10 ईयर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, एवरीबडी पुट आंसर। हाईएस्ट केसेस है वो, हाईएस्ट इंसिडेंस है पर्टोसिस के, वो कौन सी एज के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 0 से लेके 5 साल। कितना होगा, 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो हाईएस्ट इंसिडेंस देखने को मिलता है पर्टोसिस का। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन चाइना विच डिजीज़ इज़ नोन एज द 100 डे कफ। ऐसी चाइना के अंदर कौन सी डिजीज़ है जिसे 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है, 100 डे कफ। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, एवरीबडी पुट आंसर, डिप्थीरिया, मम्स, मीजल्स एंड पर्टोसिस। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है मम्स एंड ऑप्शन सी है मीजल्स एंड ऑप्शन डी है पर्टोसिस। चाइना के अंदर ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसे 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा पर्टोसिस। पर्टोसिस को चाइना के अंदर जो 100 डे कफ डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, इट मीन्स ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर, अब ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेस्ट इंडवेलिंग, ये साइंस सिम्टम्स दे रखे हैं, साइंस दे रखे हैं, फीचर्स है चेस्ट इंड्रॉविंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्राउंटिंग आर द फीचर्स ऑफ, कौन से डिजीज़ के फीचर्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेस्ट इंड्वेलिंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड द ग्राउंटिंग। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, ऑप्शन में है मीजल्स, डिप्थीरिया, टाइफॉइड एंड निमोनिया। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस सिम्टम्स दे रखे हैं, कौन से डिजीज़ के साइंस सिम्टम्स है ये, कौन से डिजीज़ के फीचर्स है ये, मीजल्स, डिप्थीरिया, टाइफॉइड एंड निमोनिया। एवरीबडी पुट आंसर, एवरीबडी पुट आंसर, अपना आंसर ज़रूर पुट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने पहले वाली जो टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो वो भी ज़रूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन है CHO राजस्थान के लिए। तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, मीजल्स, डिप्थीरिया, टाइफॉइड एंड निमोनिया, चेस्ट इंड्वेलिंग एंड नेजल फ्लेयरिंग एंड द ग्राउंटिंग आर द फीचर्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ वी विल गो फर्दर, विच विटामिन इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, कौन से विटामिन को बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन B12 है। एवरीबडी पुट आंसर, विच विटामिन इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन से विटामिन को कहते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन B12 है। एवरीबडी पुट आंसर, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम लोग एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा, एंटी इन्फेक्टिव जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए।
कौन सा होता है? विटामिन ए। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके नाउ वी विल गो फर्दर। विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोनेटल एस्फेक्सिया। कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है नियोनेटल एस्फेक्सिया का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइपोक्सिया, हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोकैपनिया एंड एसिडोसिस। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोनेटल एस्फेक्सिया। एवरीबडी पुट आंसर। हाइपोक्सिया, हाइपोपरफ्यूजन एंड हाइपोकैपनिया एंड एसिडोसिस। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हाइपोक्सिया, हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोकैपनिया एंड एसिडोसिस। इसका राइट आंसर होगा जो हाइपोक्सिया, इसका नियोनेटल एस्फिक्सी का साइन होता है। इसके अलावा हाइपोपरफ्यूजन भी होता है और एसिडोसिस भी होता है। इट मीन्स हाइपोकैपनिया है वो इसका फीचर्स नहीं होता है, करेक्टरिस्टिक नहीं होता है नियोनेटल एस्फिक्सिया का। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास इतनी होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले सब्सक्राइब करके चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग काफ़ी टेस्ट सीरीज़ है वो CHO राजस्थान के लिए कम्प्लीट करने वाले हैं। तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ सके। ओके थैंक यू सो मच।